सो यार आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। बेसिकली तीन चीजें थी, मैं आपको जल्दी समरी में एक बार फिर से बता देता हूँ। सो यार सबसे पहला तरीका था क्विकलैब्स ट्राइविया वाला, उसमें आपको ट्यूसडे और थर्सडे को 8 बजे अप्रॉक्स होता है, 8 बजे रात में, ठीक है, वो स्टोरी डालते हैं। उसमें आपको टॉप 10 लोगों में आना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर करना होता है। हे ऑल इट्स वैल्यूज, यानी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो चार क्विकलैब्स की गुडीज होती है जो कि नॉर्मली नहीं मिलती है वो कैसे मिलती है, ठीक है। क्योंकि यार इन चार गुडीज में से दो गुडीज मेरे पास है और ये 1 साल पहले से है। आप क्विकलैब्स ऐसे इवेंट्स नहीं कराता जिसमें ये गुडीज मिले, ठीक है, बट ये इवेंट्स बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं, कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली दो तीन तरीके बताऊंगा जिनसे आप ये चार गुडीज को ले सकते हैं, ठीक है। इन तरीकों के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको एवरीथिंग अबाउट माई स्वैग्स पार्ट 1 में भी बताया था। आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये चारों गुडीज को आप कैसे ले सकते हैं इन दो तीन तरीकों से, ठीक है। सो आई थिंक ये इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसमें मैं आपको 10 न्यूटन स्कूल की टी शर्ट गिव अवे कर रहा हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्ट ले सकते हैं, उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। सो यार ये बात हो गई गिव अवे की। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने काफी अच्छी वीडियोस अपलोड करी हैं, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, गो क्लाउड करियर रेडिनेस प्रोग्राम, इंडिविजुअल रोल सर्टिफिकेशन, सारी, मतलब इसको चेक कर लेना, बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, तो उन्हें जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि यार अगर इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड लास्ट पॉइंट में बात करते हैं ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में न्यूटन स्कूल का। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम के बारे में सबको समझाता हूं, बट इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। 31 मार्च को रात में 9 बजे ये पर्टिकुलर इवेंट होगा। जो हायरिंग पार्टनर्स हैं वो ये सारे हैं। प्राइजेस क्या मिलेंगे, फर्स्ट प्राइस को 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइस को 50,000, थर्ड प्राइस को 25,000, ये सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यार अगर आपकी रैंक 3,000 तक आती है तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं 501 से 2,000 की आपकी रैंक आई तो 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर, 500 टॉप कोडर्स में रहे तो 500 का गिफ्ट वाउचर, 2001 से अबव रहे तो 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर 1,000 रैंडम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और ये टॉप इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग से, और अगर आप गर्ल हैं तो उसके लिए और अलग से, ठीक है। उसके साथ साथ यार इसमें जो गुडीज मिलती हैं वो भी काफी तगड़ी होती हैं, एयरपोर्ट्स, थर्ड जनरेशन, अमेजॉन इको, बोट, एयरडोप्स, ये सारे इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पिछली बार के जो विनर्स थे उनमें से 2 इंडियंस थे, तो आप भी इस बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कोडिंग में दम है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगता। सेम ये प्रोसीजर है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप न्यूटन स्कूल के पेज पर पहुंचेंगे, फिर अगर आपने अकाउंट बना लिया हो तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट ना हो न्यूटन स्कूल में तो आप साइन अप कर सकते हैं। और जैसे ही आप साइन अप करेंगे आप सीधे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के पेज पर आ जाएंगे, उसमें जाके अपनी डिटेल्स को फिल करना, कॉलेज का ईयर और बाकी सारी चीजें, उसके बाद आप उसमें सबमिट कर देंगे, वैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यार ये कुछ मेन बड़ी बातें थी ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें जाके एनरोल कर लेना। तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ सारे तरीके। सबसे पहला तरीका जो है वो है अपना क्विकलैब्स का इंस्टाग्राम का पेज, ठीक है। ये है क्विकलैब्स का इंस्टाग्राम का पेज, इसे मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इसमें ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ठीक है। अब जो सबसे पहला तरीका होता है ये चारों गुडीज लेने का, वो ये इसमें होता है, ठीक है। कैसे होता है कि क्विकलैब्स अपने इंस्टाग्राम के पेज पर क्विकलैब्स ट्राइविया करवाता है, ठीक है। ट्राइविया क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये, और जो भी सबसे पहले 10 लोग होते हैं जो हर ट्यूसडे और थर्सडे को इनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सबसे पहले 10 लोग उनको ये लोग फीचर करते हैं। फीचर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे फीचर करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ट्राइविया ट्यूसडे हॉल ऑफ फेम और ये आपका ट्राइविया थर्सडे हॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर वीक में जो भी क्वेश्चन इन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला था, वो सबसे पहले 10 लोग जिन्होंने रिप्लाई किया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर दिया, उनके नेम यहाँ पे फीचर होते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई, और ये चीज बेसिकली होती है हफ्ते में 2 बार ट्यूसडे और थर्सडे को, इतना समझ गए। तो इससे गुडीज कैसे मिलती है, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा इनके पोस्ट के लिए, इनके स्टोरी के लिए क्विकलैब्स पर, मतलब इंस्टाग्राम पर क्विकलैब्स के पेज के लिए, ठीक है। तो फिर जब आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इन्होंने स्टोरी डाली है, और जैसे ही स्टोरी डालें आपको उसका सही आंसर करना है, और यही सेम चीज आपको हफ्ते में 4 बार करनी है, ठीक है। कोई भी ट्यूसडे या थर्सडे को पकड़ लो और उसी ट्यूसडे को, हफ्ते में 4 बार ट्यूसडे होंगे तो चारों ट्यूसडे को क्वेश्चन का सही आंसर करो और चारों बार फीचर हो। जो भी लोग चारों बार फीचर होते हैं उनमें से कुछ रैंडम ये लोग निकालते हैं। ये पर्टिकुलर जो पहला वाला तरीका होता है ये होता है आपका लक के बेस पे, ठीक है। इसमें आपकी लक बहुत मैटर करती है। मेन चीज ये है कि आपको लर्निंग मिल रही है, आपको क्वेश्चन के आंसर अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जो भी गलत होगा वो भी आप सीखेंगे कि ये चीज क्यों गलत हुई, ये क्वेश्चन आंसर गलत था, ये सब चीज, तो आपकी लर्निंग तो हो रही है। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर पहले वाले टास्क में आपको गुडीज मिलती है आपके लक के बेसिस पे। कैसे, मानो आपने ट्यूसडे को आंसर किए, चारों ट्यूसडे को आपने आंसर किया, फिर आप सेलेक्ट हुए। उसके बाद जो 10-15 लोग होते हैं जिन्होंने चारों में आंसर किया, चारों ट्यूसडे को, और फिर जो सेलेक्ट हुए उनमें से रैंडम विनर निकाला जाता है, और फिर जो रैंडम विनर निकलता है उसके पास गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का कूपन पहुंचता है, और उस कूपन की मदद से आप इन चारों चीजों में से कोई भी एक ले सकते हैं, स्लीपर्स या क्विकलैब्स की टी शर्ट, बॉटल, और चौथी चीज डायरी होती है, तो इन चारों चीजों में से कोई भी आप ले सकते हैं। दो चीजें मैं ले चुका,
देता हूँ, दो चीजें बची हैं जो मैं आगे चल के लूंगा। सो आई होप आपको फर्स्ट तरीका समझ में आ गया होगा, ये इसका मेन लॉजिक होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्यों, कोई भी इवेंट होगा, कोई भी गेम्स होगा, ये आपको उससे मतलब पहले ही बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हॉल ऑफ फेम है, कोई भी इवेंट होता है उसके ऊपर ये हॉल ऑफ फेम डालते हैं। जैसे अभी वुमेन्स डे हुआ था तो उसका हॉल ऑफ फेम इन्होंने डाला था। ठीक है, तो क्विकलैब्स की गेम्स में पार्ट लेके एक ये भी फायदा है यार कि इसका जो भी आपका हॉल ऑफ फेम या जो भी वीडियो डालते हैं उसमें आपको फीचर भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देखेंगे तो इसमें लिंक्डइन के काफी पोस्ट होंगे जिन लोगों ने बैच को कलेक्ट किया था और फिर लिंक्डइन पर डाला था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में एक दूसरे तरीके की, हाउ टू प्ले ट्राइविया। यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया वो सब यहाँ पे लिखा है, इसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बेसिकली स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वन टू वन कूल बैचेस एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, ये दूसरा तरीका होता है। ठीक है, वो चार गुडीज लेने का, पहला तरीका होता है ट्राइविया में पार्ट ले लो, दूसरा तरीका होता है ये क्विकलैब्स गेम्स में पार्ट ले लो। ये जो क्विकलैब्स गेम्स होते हैं ऐसे वाले जैसे स्पीड रन या कोई भी ऐसे गेम होते हैं जो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आते हैं, इनमें आपको बेसिकली ये चार गुडीज मिलती हैं। मैं आपको अभी अपनी क्विकलैब्स की प्रोफाइल में शो भी कर दूंगा, मुझे मिली भी है क्योंकि मैंने ये बैचेस को कलेक्ट किया था। तो यार ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो गेम्स होते हैं, इनमें आपको पार्ट लेना जरूरी होता है। ये बेसिकली एक या दो दिन के लिए चलते हैं, बट अगर इसमें लीडर बोर्ड में आप टॉप 20 टॉप 30 में आते हैं तो फिर आपको बैचेस मिलते हैं और जो मैंने आपको गुडीज दिखाई है थंबनेल पे वो आपको मिलती है। ठीक है, क्विकलैब्स गेम क्या होता है, एन ऑनलाइन गेम वेयर यू कैन अर्न पॉइंट्स एंड विन प्राइजेस, सिंपल सा फंडा है, इट्स कंप्लीटली फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर अ क्रेडिट कार्ड। ज्यादातर ये फ्राइडे को ये पर्टिकुलर इवेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में नोटिफिकेशन कैसे ऑन करनी है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो क्राइटेरिया होता है, जो गेम पॉइंट्स होते हैं, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये पेज मैंने ओपन करके रखा है। सबको ये पता होता है कि क्विकलैब्स गेम्स में लीडर बोर्ड होता है, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बट लीडर बोर्ड में पॉइंट्स किस हिसाब से मिलते हैं वो किसी को नहीं पता होता है, तो आप वो चीज यहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऐसे गेम्स में पार्ट लेंगे तो आपको जो चारों गुडीज हैं वो मिलती है। मैं अपनी प्रोफाइल से आपको शो कर देता हूं, जैसे ये पर्टिकुलर इवेंट है, ये ऐसे ही एक दिन के लिए आया था, उसमें भी गुडीज मिली थी, ये वाला इवेंट थैंक्सगिविंग स्पीड रन, जितने भी स्पीड रन वाले होते हैं उसमें गुडीज 100% मिलती है। ठीक है, मैंने बहुत ऐसे इवेंट्स देखे, ये कॉन्फ्लुएंट और गूगल क्लाउड, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, 7 क्विकलैब्स गेम्स दैट प्रोवाइड यू स्वैग्स एंड गुडीज, तो उसमें मैंने इन सारे इवेंट्स के बारे में बात करी है डिटेल में, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, ऐसे 15 डे चैलेंज कुबेरनेटिस, इससे मुझे क्विकलैब्स की टी शर्ट मिली थी। ठीक है, इसमें लीडर बोर्ड में आना होता है, मेन कॉन्सेप्ट ये होता है गेम्स का कि गेम्स में क्या होता है कि कुछ दिन होंगे और लीडर बोर्ड होगा। ठीक है, कुछ दिन में कुछ सेट ऑफ लैब्स आपको कंप्लीट करनी होती है और फिर अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप में आते हैं तो फिर आपको वो मतलब जैसे हर एक पर्टिकुलर गेम का अपना अपना शेड्यूल होता है, किसी में आपको टॉप 10 में आना है, किसी में टॉप 20 में आना है गुडीज के लिए, तो अगर आप टॉप 10 में आए मानो तो फिर आपको गुडीज का वाउचर मिलता है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, किसी में लैब कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, बाकी एक लैब को आप 5 बार ही कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी लैब को करेंगे उतना ज्यादा आप लीडर बोर्ड में ऊपर आएंगे, मतलब उतने ज्यादा आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा आप लीडर बोर्ड में ऊपर आएंगे। ठीक है, तो लैब आपको जल्दी करनी है, एक लैब को आप मैक्सिमम 5 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, ये गेम्स के कुछ कंडीशंस होते हैं और ऐसे कुछ गेम्स होते हैं, ये सारे गेम्स जो भी स्पीड रन वाले होते हैं और जितने भी ये एक दो दिन के ड्यूरेशन के होते हैं, इनमें आपको ये चार गुडीज मिलती है। तो ये एक दूसरा तरीका था। ठीक है, बाकी आप यहां से पढ़ सकते हैं गेम्स के बारे में, कोड आपको कहां से मिलते हैं गेम्स के वो मैं आपको सबसे पहले चैनल पे वीडियो बना के बता देता हूं, उसके साथ साथ ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो क्लैब्स के पेजेस हैं वहां पर आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, हाउ द गेम वर्क्स, ये मैंने आपको बता दिया, यू कैन डू द लैब्स इन द गेम ओनली बिटवीन द गेम्स स्टार्टेड एंड डेट, मतलब हर एक पर्टिकुलर गेम एक या दो दिन के लिए चलता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो लैब्स उसमें गिवन होती है वो आपको करनी होती है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यार जितनी भी लैब्स आप गेम्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं उनमें आपको क्विकलैब्स के मंथली सब्सक्रिप्शन या क्रेडिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने गेम्स के ऊपर काफी वीडियोस बनाई है, उन्हें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू द लैब्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं, यू कैन टेक ईच लैब मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स, एक लैब को 5 बार ही कर सकते हैं, यू कैन नॉट पॉज एन इंडिविजुअल लैब, एक लैब को पॉज नहीं कर सकते, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इनको आप देख सकते हैं। ज्वाइन एंड प्ले कैसे करना है, साइन इन करना है क्विकलैब्स में, अपने कोड को कॉपी करना है, वहां जाके पेस्ट करना है, फिर आप उसमें एनरोल हो जाएंगे, ये सारी सिंपल चीजें। लैब्स को कैसे करना है, लैब्स को करना है इनकॉग्निटो विंडो में, इनकॉग्निटो विंडो आई होप आपको पता होगा, इस पर क्लिक करके इनकॉग्निटो विंडो को आप ओपन कर सकते हैं, इसी में लैब्स को आपको करना होता है। ठीक है, चेंज जो प्लेयर नेम अवतार, अपना जो प्लेयर नेम उसको चेंज कर सकते हो और जो अपनी प्रोफाइल पे को उसको भी चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये लोगों को नहीं पता होता कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। रिक्वायर्ड स्टेप्स आर काउंटेड विद इन ईच लैब यूजिंग एक्टिविटी ट्रैकिंग। ठीक है, इससे आपके रिक्वायर्ड स्टेप्स सारे काउंट करते हैं कि इतने तो रिक्वायर्ड है, इतने तो मिनिमम है, इतने तो हर आदमी रन ही करेगा, और अगर इतने से कम में या इतने में कर दिया तो इस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे, ये कुछ होता है। ठीक है, बोनस पॉइंट्स फॉर स्पीड इफ यू फिनिश ऑल रिक्वायर्ड स्टेप्स इन ए लैब बिफोर द टाइमर रन आउट, अगर आप बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं लैब, यही मेन चीज मैंने आपसे कही थी कि लीडर बोर्ड में अगर आपको ऊपर आना है तो आपको लैब को बहुत जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। लैब को जल्दी कंप्लीट करोगे मतलब जो भी
रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उनको जल्दी कंप्लीट करोगे, तो अगर उनको जल्दी कंप्लीट करोगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, तो आप लेडर बोर्ड में ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा आपका स्पीड रन, जो मैंने बैचेस कलेक्ट करे वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो 7 के क्लैप्स गेम्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिनसे आपको ये चारों गुडीज मिलती है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जाके देख सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड तरीके की। थर्ड तरीके के लिए हम लोग अपनी क्लैप्स की प्रोफाइल पर जाएंगे, ठीक है, और अपने अकाउंट पर जाना, माई अकाउंट पे सेटिंग में क्लिक करना। तो जैसे ही आप माई अकाउंट में सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये जो अवतार की बात हो रही थी, ये प्लेयर का अवतार है, मतलब ये मेरी फोटो है, ठीक है, और ये प्लेयर का नेम है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थर्ड तरीका ये कि अगर आपको ऐसे गेम्स के बारे में पता करना हो, ऐसे जो भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं क्लैप्स के, उनके बारे में पता करना हो, ये गुडीज लेनी हो, तो आपको इन दोनों चीजों के लिए क्लिक करना पड़ेगा और इसको अपडेट सेटिंग करना पड़ेगा। तो अपने क्लैप्स की प्रोफाइल में जाके चेक कर लेना कि इन दोनों में टिक है कि नहीं, अगर टिक है तो इसमें मतलब अपडेटेड है कि नहीं। अपडेटेड हो यार, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आपके पास सबसे पहले मेल आ जाता है हर एक इंपॉर्टेंट चीज का। मेरे पास लर्न टू अर्न या कोई ट्विटर का पोस्ट भी होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन या मेल आ जाता है इस पे क्लिक करने पर ही। ठीक है, तो इसको यार क्लिक करके रखना। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा था सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट्स की, यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास क्लैप्स का मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास 45 क्रेडिट्स हैं, और मैंने पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि आप क्रेडिट्स दूसरे लोगों को दे भी सकते हैं ग्रुप बना के। ठीक है, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। जैसे मानो मेरे पास 45 क्रेडिट्स है और मैं किसी को देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रुप बना के उनको भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भेज भी सकते हैं और ये पूरा स्टेटस दिखा देता है कब क्या लिए थे आपने क्रेडिट्स, और क्रेडिट्स की मदद से ही आप लैब करते हैं। बाकी आप क्लैप्स के जब गेम्स में लैब्स करते हैं तो आपको क्रेडिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी लैब को कर सकते हैं। ठीक है, सो यार आई होप आपको ये फंडा समझ में आएगा। बेसिकली तीन चीजें थी, मैं आपको जल्दी समरी में एक बार फिर से बता देता हूँ। सो यार सबसे पहला तरीका था क्लैप्स ट्राइबिया वाला, उसमें आपको ट्यूजडे और थर्सडे को 8 बजे अप्रॉक्स होता है, 8 बजे रात में, ठीक है, वो स्टोरी डालते हैं, उसमें आपको टॉप 10 लोगों में आना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर करना होता है। और ये सेम चीज आपको पूरे महीने में चारों ट्यूजडे या चारों थर्सडे को जिस दिन भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लकी हुए तो आपके पास वाउचर मिलता है। एक तरीका ये था जिससे मुझे गुडीज मिली थी, ये चारों में से एक मिली थी, शायद बॉटल मैंने ली थी। ठीक है, और जो दूसरा था टी शर्ट के लिए, उसके लिए मैंने गेम्स किया था। और दूसरा तरीका भी यही है कि स्पीड रन के जो गेम्स होते हैं इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कब होते हैं ये सब आपको बताया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं ही आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका था आप स्पीड रन गेम्स में पार्ट ले सकते हैं, और जो इतने इवेंट्स होते हैं क्लैप्स के उसमें पार्ट ले सकते हैं, उनसे आपको ये सारी गुडीज मिल सकती है। और तीसरा तरीका ये था कि क्लैप्स की प्रोफाइल में सेटिंग में जहां मैंने आपको बताया उन दोनों ऑप्शंस को चेक इन करके रख सकते हो, जिससे आपको कोई भी इवेंट हो क्लैप्स पहले ही मेल भेज के बता देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली, ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यार उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट में एनरोल कर लेना, उसमें 10 लाख वर्थ के प्राइजेस हैं, गुडीज भी हैं, तो उसमें जरूर एनरोल कर लेना। तो चलो यार इस पर वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नए होना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।